दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग यानी डिप्लोमा इन CSIE में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, यानी कि अगर आप पॉलिटेक्निक करते हैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ब्रांच में, तो आपको कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने होंगे फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर एंड फाइनल ईयर में। इससे पहले हमने वीडियोज बनाए हैं जिनमें आपको बताया है कि BSc कंप्यूटर साइंस का सिलेबस क्या रहता है, कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, BTech कंप्यूटर साइंस का सिलेबस क्या रहता है, कौन कौन से सब्जेक्ट आपको स्टडी करने होते हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं, देखना चाहते हैं, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, बाद में देख लीजिएगा, यानी कि इस वीडियो को देखने के बाद आप उन वीडियोज़ को देख लीजिएगा, जिससे आपको उनका सिलेबस पता चल जाएगा। इस वीडियो में स्पेशली हम बात करेंगे डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के सिलेबस के बारे में। सबसे पहले बात कर लेते हैं डिप्लोमा इन CSIE के बारे में, दिन बात करते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट आपको स्टडी करने होंगे। डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग एक इंजीनियरिंग डिप्लोमा कोर्स है जो कि 2 से 3 साल का होता है, यानी कि इस कोर्स की ड्यूरेशन 2 to 3 years होती है। अगर आप इसे आफ्टर 12th लेटरल एंट्री के थ्रू करते हैं तो 2 साल का होगा, यानी कि 4 semester में कंप्लीट होगा। अगर आप इसे 10th बेस पर करते हैं, मिनिमम 10th पास हैं, तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तब आपको 3 साल का डिप्लोमा कोर्स करना होगा, यानी कि 12th आपने कंप्लीट कर लिया लेकिन आप 3 साल का डिप्लोमा कोर्स करना चाहते हैं तो आपको 10th बेस पर अप्लाई करना होगा। तो 10th बेस पर ये जो डिप्लोमा कोर्स है वो 3 साल का होता है। तो इस वीडियो में जो मैं आपको सब्जेक्ट जो सिलेबस बताने वाला हूँ ये 3 years डिप्लोमा के लिए है, यानी कि 3 साल का जो डिप्लोमा होता है उसके लिए है। आइए सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट ईयर की, यानी कि फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर में कौन कौन से सब्जेक्ट आपको पढ़ने होंगे। आपको बता दें कि फर्स्ट ईयर में आपको 2 semester पढ़ने होंगे, तब आपका फर्स्ट ईयर कंप्लीट होगा। सेकंड ईयर में 2 semester एंड फाइनल ईयर में 2 semester, इस तरीके से आपका डिप्लोमा कंप्लीट होगा। सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट सेमेस्टर की, तो इसमें आपको कुछ इस तरीके के सब्जेक्ट स्टडी करने होते हैं जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। नंबर 1 है कम्युनिकेशन स्किल फर्स्ट। आप पढ़ेंगे कम्युनिकेशन क्या होता है, यानी कि संचार क्या होता है, इसके टाइप्स पढ़ेंगे और टूल्स ऑफ कम्युनिकेशन पढ़ेंगे, बैरियर्स क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ बैरियर्स, इसके अलावा इंग्लिश ग्रामर आपको इसके अंतर्गत पढ़ना होगा। तो अगर आपने इंग्लिश अच्छे तरीके से पढ़ा है, इंग्लिश की स्टडी अच्छे तरीके से की है, तो आपको इस सब्जेक्ट में काफ़ी हेल्प मिल सकती है। इसके अलावा आपको पढ़ना होगा अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट, इसमें आप मैथमेटिक्स पढ़ेंगे। आपने 12th में मैथमेटिक्स अच्छे तरीके से पढ़ा होगा तो इसमें आपको काफ़ी हेल्प मिल सकती है। तो इसमें क्या होता है, इसमें 12th का मैथमेटिक्स होता है और कुछ अदर चैप्टर्स इसमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट, इसके अलावा आपको अप्लाइड केमिस्ट्री पढ़ना होगा, फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि IT। तो इसमें आप कंप्यूटर की जो बेसिक चीज़ें होती हैं वो पढ़ेंगे और IT के बारे में आपको जानकारी मिलेगी, यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में आपको बताया जाएगा इस सब्जेक्ट के बारे में। इसके अलावा टेक्निकल ड्राइंग आपको सब्जेक्ट पढ़ना होगा। जो अदर ब्रांचेज के स्टूडेंट्स होते हैं उनको इंजीनियरिंग ड्राइंग यानी कि ED नाम का सब्जेक्ट पढ़ना होता है, इसी तरीके से अगर आप एक CSIE यानी कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग ब्रांच के स्टूडेंट हैं डिप्लोमा के, तो आपको टेक्निकल ड्राइंग यानी कि TD नाम का सब्जेक्ट स्टडी करना होगा। इसके अलावा वर्कशॉप प्रैक्टिस, तो ये सब्जेक्ट आपको फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ने होते हैं। आइए अब हम बात करते हैं सेकेंड सेमेस्टर की, तो इसमें आपको कुछ इस तरीके के सब्जेक्ट स्टडी करने होते हैं जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकेंड पढ़ेंगे, अप्लाइड फिजिक्स सेकेंड पढ़ेंगे, बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, मल्टीमीडिया एंड एनिमेशन, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोग्रामिंग यूजिंग सी, ऑफिस ऑटोमेशन टूल्स, तो ये सब्जेक्ट आपको सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ने होंगे। अगर हम बात करें सेकेंड ईयर की यानी कि 3rd and 4th semester की, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं 3rd semester की, तो इसमें आपको अप्लाइड मैथमेटिक्स 3rd पढ़ना होगा। अगर आपने अप्लाइड मैथमेटिक्स 1st and 2nd अच्छे तरीके से स्टडी की है तो इसमें आपको काफ़ी हेल्प मिल सकती है, किसमें, अप्लाइड मैथमेटिक्स 3rd में। इसके बाद आपको पढ़ना होगा इंटरनेट एंड वेब टेक्नोलॉजी, एनवायरमेंटल स्टडीज़, इसके अलावा आपको डेटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क्स, डेटा स्ट्रक्चर यूजिंग सी, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, तो ये सब्जेक्ट आपको 3rd semester में स्टडी करने होंगे यानी कि सेकेंड ईयर में। अगर हम बात करें 4th semester की, तो इसमें आपको कम्युनिकेशन स्किल 2nd पढ़ना होगा, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूजिंग जावा, ऑपरेटिंग सिस्टम्स पढ़ेंगे, इसके अलावा ई कॉमर्स एंड डिजिटल मार्केटिंग ये स्टडी करेंगे, एनर्जी कंजर्वेशन, इन्वर्सन ह्यूमन वैल्यूज, तो ये सब्जेक्ट आपको 4th semester में स्टडी करने होंगे। अब हम बात करते हैं फाइनल ईयर के यानी कि 5th and 6th semester में कौन कौन से सब्जेक्ट आपको स्टडी करने होंगे। सबसे पहले बात करते हैं 5th semester की, तो इसमें होगा आपका इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग। इसके अलावा अगर हम बात करें सब्जेक्ट की, तो इसमें आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ना होगा, वेब डेवलपमेंट यूजिंग PHP, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग यूजिंग पाइथन, कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड हार्डवेयर मेंटेनेंस और इंटरनेट ऑफ थिंग्स माइनर प्रोजेक्ट वर्क, तो ये चीज़ें होंगी 5th semester में। अब हम बात करते हैं लास्ट सेमेस्टर की यानी 6th semester की, तो इसमें आपको कुछ इस तरीके के सब्जेक्ट स्टडी करने होंगे, डेवलपमेंट ऑफ एंड्रॉयड एप्लीकेशंस,
क्लाउड कंप्यूटिंग, इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट यानी कि IMED, इलेक्टिव मेजर प्रोजेक्ट वर्क। तो ये सारी चीज़ें आपको 1-3 ईयर यानी कि फर्स्ट ईयर से फाइनल ईयर तक स्टडी करना होगा। आई होप ये चीज़ें सिलेबस आपको समझ में आया होगा और आपको अंदाजा लग गया होगा कि डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में हम कौन कौन से सब्जेक्ट क्या क्या चीज़ें स्टडी करते हैं। हम आपको बता दें ये जो सिलेबस मैंने बताया है ये बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश यानी कि BTUP के अकॉर्डिंग है। यानी कि अगर आप उत्तर प्रदेश के पॉलिटेक्निक से डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग कंप्लीट करते हैं तो ड्यूरिंग योर पॉलिटेक्निक आपको ये सब्जेक्ट स्टडी करने होंगे। ठीक है, तो ये स्पेशली उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक का सिलेबस है। अगर आप किसी अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं, अदर स्टेट पॉलिटेक्निक से डिप्लोमा करना चाहते हैं तो आप उसके लिए सिलेबस देख लीजिएगा, बिकॉज सिलेबस जो है थोड़ा बहुत वेरी कर सकता है। ये वीडियो इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए, जिससे आपको राइट इन्फो क्लब की वीडियोज़ देखने को मिलते रहें, वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन है या फिर सजेशन है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं या फिर हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर मैसेज कर सकते हैं। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।